आप सभी का आर्ट एंड बैचेज में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और कोर्सेज मिलते रहें। वन डे एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को यहाँ पर ये ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे, साथ ही आपको एग्ज़ाम अपडेट और एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको नितिन जायसवाल एनजे सर सर्च करना होगा और आपको वहाँ पर मेरी प्रोफाइल मिलेगी। सभी वीडियो कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ पर जाकर के आप FB ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स मिलेगा और जो अगस्त 2018 से लेकर के फरवरी 2019 तक का यहाँ पर पूरा स्पोर्ट का करंट अफेयर, जो भी स्पोर्ट एक्टिविटी हुई है उनकी सारी यहाँ पर डिटेल है। जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जो जून तक भी जो परीक्षाएं संभावित हैं RRB NTPC की, SSC CGL की और जो CPO की परीक्षाएं मार्च में होने वाली हैं और CHSL की परीक्षाएं होंगी, उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स मैंने अपलोड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, अपने प्लेटफॉर्म पे। आप वहाँ पर जा करके मंथली करंट अफेयर्स का नोट्स बना लीजिए, सारे क्वेश्चन वहीं से आने हैं क्योंकि मैंने कई जगह से मैटर कलेक्ट करके सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड करी हुई हैं, कोई भी पॉइंट आपको वहाँ छूटा हुआ नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि आज हमने जो वीडियो रखा हुआ है इसको, इसमें सबसे पहला हमारा बनेगा एशियन गेम्स पर कि 18वां संस्करण जो एशियन गेम्स इंडोनेशिया में हुआ था वो, उसके बारे में यहाँ पर हमने जो भी डिटेल हमको मिली है यहाँ पर लिखी गई है। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि एशियाई खेल होते क्या हैं, फिर उसके बाद जो एशियाई खेल अभी हुए थे उनकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है, मल्टी गेम मल्टी स्पोर्ट जो है कंपटीशन है, जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है एशियाई खेलों को एशियाड कहा जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होता है, इसमें जो है बहु खेल प्रतियोगिता है और एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। और प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली भारत में 1951 में हुआ था, जहाँ इस मशाल को सबसे पहली बार प्रज्वलित किया गया था। दूसरी बार भारत ने 1982 में पुनः इन खेलों की मेज़बानी की। अब आ जाते हैं जो हमारा ये खेल हुआ है, यह 18 अगस्त से 2 सितंबर 2000 तक बीच खेला गया है और जो उद्घाटन समारोह है वो भाला फेंक खिलाड़ी जो हमारे जैवलिन थ्रोवर हैं नीरज चोपड़ा, ये भारतीय दल की अगुवाई करेंगे, इन्होंने अगुवाई करी थी। तीसरा पॉइंट इसमें हमने रखा हुआ है जकार्ता के GBK स्टेडियम, ये याद रखिएगा जकार्ता का GBK स्टेडियम है, में होने वाले उद्घाटन समारोह से खेलों का औपचारिक आगाज होगा। और चौथा पॉइंट है एशियाई खेल 2018 इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में आयोजित होंगे। ध्यान रखिएगा ये दो जगह पर आयोजित किए गए हैं, जकार्ता में और पालेमबांग में, ठीक है। अभी पालेमबांग और जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और पालेमबांग के बारे में भी यहाँ पर आपको डाटा मैंने दिया हुआ है। एशियाई खेलों में एशिया के 45 टोटल देश हैं जिनमें से 11,000 खिलाड़ी भाग लेंगे और इन सभी खिलाड़ियों के 40 खेलों की 465 प्रतिस्पर्धाओं में भिड़ंत होगी। तो ये जो नंबर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 45 देश भाग लिए हैं, 11,000 खिलाड़ी हैं, 40 खेल खेले जाएंगे और 465 प्रतिस्पर्धाएँ होंगी, 465 कॉम्पिटिशन्स होंगे। एशियाई खेलों का शुरुआत राजधानी जकार्ता के गेलोरा बुंग कार्नो स्टेडियम में होगा, तो स्टेडियम का नाम है गेलोरा बुंग कार्नो स्टेडियम, जिसमें एक साथ इतने लोग बैठ सकते हैं। इस डाटा से हमें कोई खास मतलब नहीं है, इसको नाम याद रखिएगा कि जो जकार्ता का स्टेडियम है उसका नाम है गेलोरा बुंग कार्नो स्टेडियम। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि ये स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार दो शहर साझा रूप से मेज़बानी कर रहे हैं, कौन कौन से, एक जकार्ता और एक पालेमबांग, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। जकार्ता और पालेमबांग शहर इन खेलों की विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन करेगा। जकार्ता जहाँ देश की राजधानी, वहाँ पालेमबांग दक्षिणी सुमात्रा प्रोविंस की राजधानी है। तो आपको पता चल गया होगा कि पालेमबांग क्या है, पालेमबांग दक्षिणी सुमात्रा प्रोविंस की राजधानी है। जकार्ता में इससे पहले 1962 में भी एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। इसमें 8वां पॉइंट हमने लिखा हुआ है एशियाई खेलों में पहली बार ई स्पोर्ट्स और कैनो पोलो, ई स्पोर्ट्स में हमारे वीडियो गेम्स वगैरह खेले जाएंगे और कैनो पोलो में जो है पानी में गोल्फ खेला जाएगा, वो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर ई स्पोर्ट्स स्पर्धाओं में प्रोफेशनल खिलाड़ियों के बीच वीडियो गेम्स की स्पर्धा होंगी, वहीं कैनो पोलो में पानी में पोलो की तरह खेले जाने वाला खेल है, जहाँ छोटी छोटी नाव में नाव होगा, यहाँ पर नाव में सवार होकर खिलाड़ी
पोलो की तरह गेंद को गोल पोस्ट के अंदर डालेंगे। इन दोनों खेलों को इस बार प्रदर्शनी खेलों के रूप में शामिल किया गया है और वर्ष 2022 में 19वें एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट को मुख्य खेलों में शामिल कर लिया जाएगा, जबकि कैनो पोलो को नहीं किया जाएगा, ई स्पोर्ट को शामिल किया जाएगा। इसके बाद 9th पॉइंट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं कि 18वें एशियाई खेलों के तीन शुभंकरों के नाम क्या हैं। तो एक का नाम है भिन्न भिन्न, दूसरे का नाम अतुंग और तीसरे का नाम काका। भिन्न भिन्न क्या है? एक स्वर्ग की चिड़िया जो है, काल्पनिक चिड़िया है। अतुंग क्या है? एक हिरण है। और काका क्या है? एक गैंडा है। इन तीनों शुभंकरों ने एक शुभंकर जिसका नाम था द्रावा उसकी जगह ले ली है। ये जो तीनों शुभंकर है देश के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 10वां पॉइंट हमारा है, 18वें एशियाई खेलों के अंतिम दिन मुक्केबाज अमित पांघल, नाम याद रखिएगा, इन्होंने स्वर्ण जीता हुआ है। पूछा जा सकता है कि अमित पांघल का संबंध किस खेल से, तो आप बताइएगा, मुक्केबाजी से। हो सकता है डायरेक्ट इनका ये ना पूछा जाए कि इन्होंने स्वर्ण जीता कि क्या जीता, लेकिन डायरेक्ट इनका पूछा जा सकता है क्योंकि ये नया नाम है, मुक्केबाजी संबंधित है। और ब्रिज में पुरुष युगल जोड़ी के स्वर्ण पदकों की बदौलत भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खेलों का समापन किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक के मुकाबले में पाकिस्तान को हराया और कांस्य पदक पर अपना कब्जा किया। भारतीय जो हॉकी टीम थी, पुरुष हॉकी टीम, उसने कांस्य पदक जीता हुआ है। 11वां पॉइंट में लिखा है, भारत ने इन खेलों में 15 स्वर्ण जीते, 24 रजत और 30 कांस्य। आप 15 दूनी 30, बीच में 24 याद कर लीजिए, और कुल 69 पदक जीते। इसके बाद भारतीय धावक जिनसन जॉनसन ने पुरुषों की 1500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिनसन जॉनसन। 1500 मीटर की रेस, भारतीय हैं ये, और इन्होंने स्वर्ण जीता हुआ। जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट आए हैं उनके मैं नाम यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। पंजाब के एथलीट जो है अपरिंदर सिंह ने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता हुआ है, और भारत की स्वप्ना बर्मन ने एथलेटिक्स में देश को गोल्ड मेडल दिलाया है। और ये जो इनका जो खेल है उसका नाम है हेप्टैथलान। हेप्टाथलान में क्या होता है, इसमें ढेर सारी रनिंग होती है, स्विमिंग होती है, कई तरह के, इसमें जैसे 400 मीटर का रनिंग हो गया और हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, सब चीज़ मिक्स होती है। हेप्टाथलान में लगभग 8 खेल होते हैं, तभी यह हेप्टाथलान लिखा हुआ है। इसमें सपना बर्मन जी ने पदक जीता है और ये गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो पदक है इसके बारे में खास बात ये लिखी गई है कि इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इनका नाम याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्वप्ना बर्मन। 15वां है मनजीत सिंह, 800 मीटर रेस में भारत को स्वर्ण पदक दिला ले गए हैं ये, इनका भी नाम याद रखिएगा। पीवी संधू हैं एशियन गेम के इतिहास में बैडमिंटन का रजत जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई हैं। दरअसल सिंधु को विश्व की नंबर वन खिलाड़ी चीन की हैं ताई जू यिंग ने हराया है, इस कारण से पीवी संधू को रजत पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन तब भी ये एक रिकॉर्ड बन गया क्योंकि एशियन गेम्स के इतिहास में बैडमिंटन का रजत जीतने वाली पहली भारतीय शटलर हैं पीवी संधू। यहाँ पर जो सपना बर्मन है यह हेप्टाथलान में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। इसके बाद 17वां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके भारत को पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक दिलाया। हिमा दास ने इतने सेकंड के समय के साथ सिल्वर जीता, साथ ही 2 दिन में दूसरी बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा। इन्होंने एक और रेस करी हुई थी, उसमें इन्होंने शायद गोल्ड मेडल जीता हुआ है, उसका डाटा मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने वहाँ पर लिखा नहीं। आप लोगों को अगर इसका डाटा मिलता है तो इसमें थोड़ी सी छानबीन करके इसका सही आंसर ढूंढ लीजिए, दूसरी कि इन्होंने स्वर्ण जीता है कि नहीं जीता। लेकिन ये जो यहाँ लिखा गया है ये परफेक्ट है, ये एकदम सही लिखा गया है कि हिमा दास ने 50.59 सेकंड के साथ सिल्वर मेडल जीता, साथ ही दिन में 2 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और दिविज शरण की जोड़ी ने 18वें एशियाई खेलों में भारत को जो है स्वर्ण पदक दिलाया, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। भारतीय नौकायन रोइंग टीम में पुरुषों की क्वाड्रपल स्कल्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल आया हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा कि एशियाई में पुरुषों की क्वाड्रपल स्कल प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। भारत की महिला शूटर राही सरनोबत ने 25 मीटर इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है राही सरनोबत का। और भारत के 16 वर्षीय निशानेबाज सौरभ चौधरी एशियाई खेलों में इतिहास रच दिए हैं। सौरभ चौधरी ने 10 मीटर की एयर पिस्टल
राइफल पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है 16 वर्षीय। यहाँ लिखने का ये मतलब है ये अभी तक के सबसे कम उम्र के निशानेबाज हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया हुआ है, इसलिए इन्होंने ये इतिहास रचा हुआ है। सौरभ चौधरी नाम याद रखिएगा, इनका 10 मीटर एयर राइफल से संबंध है, और राही सरनोबत का नाम भी जो है शूटिंग से संबंधित है, ये भी शूटर हैं। विनेश फोगाट ने महिलाओं के 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में फाइनल में जापान की युकी आयरी को हराया और एशियन गेम के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इनको भी याद रखिएगा, ये भी पहली भारतीय महिला हैं जो एशियन गेम्स में कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया है इन्होंने। भारत के प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया ने एशियाई खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया, मतलब कि जो स्वर्ण ये प्रतियोगिता हुई थी इसमें पहला जो स्वर्ण पदक आया है वो बजरंग पूनिया ने दिलाया था कुश्ती में, ठीक है, सबसे पहला स्वर्ण पदक, ये बात यहाँ पे लिखी है। और जो सबसे टॉप आया था इस लिस्ट में 132 गोल्ड, 92 सिल्वर और 65 कांस्य पदक, और टोटल 289 पदक के साथ चाइना और इंडिया का स्थान 8वां है। टोटल 69 पदक के साथ, 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 कांस्य पदक के साथ, या 30 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। ओके, ये इतनी डिटेल आपकी जो एशियन गेम्स से संबंधित थी। इसके बाद अन्य जो भी खेल संबंधी घटनाएं हैं यहाँ पर लिखी गई हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इनका आप शॉर्ट नोट्स कागज़ में छोटी सी चिट बना करके ज़रूर रख लीजिए। भारतीय महिला टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने 23 अगस्त को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आप झूलन गोस्वामी का नाम याद रखेंगे और T20 याद रखेंगे कि इन्होंने T20 संन्यास लिया है। और इंग्लैंड के प्रसिद्ध सलामी बल्लेबाज पूर्व कप्तान एलियस्टर कुक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। एलियस्टर कुक जो है पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले रहे हैं, जबकि झूलन गोस्वामी T20 से ले रही हैं। पृथ्वी शॉ ने राजकोट गुजरात में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच खेलते हुए टेस्ट डेब्यू पर शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। पृथ्वी शॉ ने 99 गेंदों में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। पृथ्वी शॉ 18 वर्ष ने यह शतक जड़ते हुए 59 ईयर ओल्ड अब्बास अली बेग का रिकॉर्ड तोड़ा, और ये 20 साल की उम्र में रिकॉर्ड अब्बास अली जी ने बनाया था, और पृथ्वी शॉ ने 18 वर्ष की आयु में यह रिकॉर्ड कायम करके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इन्होंने। और पृथ्वी शॉ जो है टेस्ट डेब्यू मैच में सबसे तेज शतक जड़ने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि पहले शिखर धवन हैं, और इनके अलावा जो दो लोग हैं शिखर धवन है और वेस्टइंडीज के ड्वेन स्मिथ हैं सबसे तेज शतक बनाने वाले डेब्यू टेस्ट मैच के। तो याद रखिएगा, डेब्यू टेस्ट मैच में शतक बनाया है शिखर धवन ने और ड्वेन स्मिथ में सबसे तेज जड़ने वाले तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। यहाँ पे चौथा पॉइंट है, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने क्रोएशिया में बोर्ना कोरी को 6-3, 6-4 से हरा कर चौथी बार संघाई मास्टर्स का खिताब जीता। संघाई मास्टर टेनिस का, आप संघाई मास्टर टेनिस का खिताब याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने जीता है, और नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया से। एक बार SSC में पूछा गया था कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित हैं, ये भी पूछ लिया गया था। तो संघाई मास्टर का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है, और हराया किसको है, क्रोएशिया के बोर्ना कोरी को हराया हुआ है। इसके बाद पांचवा है हमारा, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता है। वे फाइनल में ताइपे की ताइजू यिंग के खिलाफ 13-21 से हार गई हैं। ये ताइजू यिंग जो हैं ये वर्ल्ड की जो है नंबर 1 शटलर हैं, और ये ताइपे की हैं, जिसको चीनी ताइपे भी अब कहा जाता है, जिसको अब चाइना का भी हिस्सा माना जा रहा है, ठीक है। तो ये इनसे हार गई थी, और भारतीय बैडमिंटन नेहवाल जी ने इस कौन सा रजत पदक जीता हुआ है, डेनमार्क ओपन का, याद रखिएगा। भारत के सुप्रसिद्ध कुश्ती पहलवान बजरंग पूनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इन्होंने गोल्ड मेडल एशियन गेम में जीता था, और यहाँ पर किसमें, विश्व कुश्ती में रजत पदक जीता। और इन्होंने जापान के ताकुटो ओटोगुरो ने उन्हें पुरुष के 65 kg वेट कैटेगरी फाइनल में 16-9 से हराया था, और स्वर्ण पदक जीता है जापान के ताकुटो ओटोगुरो ने। जापान के ताकुटो ने जब स्वर्ण पदक जीत लिया तो इनको रजत पदक से सम्मानित किया गया। पूनिया इस हार के बावजूद रिकॉर्ड बनाने में सफल रहे।
वे इस टूर्नामेंट में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। ज्ञात हो उन्होंने वर्ष 2013 में फ्री स्टाइल की कुश्ती के 60 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज जीता था और अभी इन्होंने 65 केजी वाले में जो है सिल्वर जीत लिया हुआ है। तो ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल धारक हो गए हैं, एक ब्रॉन्ज 2013 का और एक सिल्वर 2018 का। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट यह है कि विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली ने विशाखापट्टनम में को खेले गए मैच में कुल मिलाकर 213 वनडे मुकाबलों की 205 पारियों में यह कारनामा किया है। और कोहली ने विशाखापट्टनम में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे सीरीज में 81 रन बनाए थे और 81 रन बनते ही 10,000 रन ये अपने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। इसके पहले सबसे कम वनडे मैचों में ये रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के नाम था और सचिन ने 259वीं पारी में ये उपलब्धि हासिल की है, लेकिन इन महोदय ने 205वीं पारी में ये उपलब्धि हासिल कर ली है। ये थोड़ा सा बड़ा अंतर है, इन्होंने 54 मैच कम ही खेले विराट कोहली ने, तब भी ये कारनामा कर गए 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले, सबसे तेज रन बनाने वाले ये खिलाड़ी हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद है वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने 2018 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की, लेकिन उन्होंने T20 लीग्स में खेलना जारी रखेंगे ऐसा उन्होंने बताया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ड्वेन ब्रावो ने संन्यास ले लिया है। इसके बाद है एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। याद रखिएगा, एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान को संयुक्त विजेता घोषित इसलिए कर दिया गया क्योंकि मैच नहीं हो पाया था, बारिश हो गई थी। 10वां है पंकज अडवाणी एशियन स्नूकर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फिर से एक बार समझिए इस बात को, पंकज अडवाणी एशियन स्नूकर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इन सारी बातों के एक छोटे से कागज़ में पॉइंट बना के जरूर लिखते जाइएगा। रोहित शर्मा 1 नवंबर 2018 को तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वें मैच के दौरान वनडे इतिहास में सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं हमारे रोहित शर्मा। इसके बाद यहाँ हरमनप्रीत कौर के बारे में दिया गया है। हरमनप्रीत कौर जो है इतिहास जड़ बना देती हैं ये शतक मार करके T20 मैच में। हरमनप्रीत कौर ने 9 नवंबर 2018 को तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में केवल 49 गेंदों में शतक बना डाला और यह एक रिकॉर्ड है। ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हो गई हैं। इसके बाद 13वां नंबर है भारत के प्रसिद्ध पहलवान बजरंग पूनिया ने 65 केजी वर्ग में शीर्ष विश्व रैंकिंग हासिल की हुई है। इस सत्र में 5 पदक जीतने वाले 24 वर्षीय बजरंग पूनिया ने UWW की सूची में 96 अंकों के साथ रैंकिंग तालिका में शीर्ष स्थान पर हैं। मतलब अगर आपसे इस समय पूछा जाए कि 65 केजी वर्ग में विश्व रैंकिंग में पहला स्थान किसका है, तो आप बजरंग पूनिया पहलवान का नाम लेंगे। ओके, इसके बाद 14वां है घरेलू क्रिकेट में सबसे तेज रन बनाने वाले, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टेस्ट टीम के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है और वह नया रिकॉर्ड यह है कि वह रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं कौन? वसीम जाफर। वसीम जाफर जो है विदर्भ की तरफ से खेलते हैं और बड़ौदा के खिलाफ 153 रन की शानदार पारी खेल करके 11,000 रन पूरे करते हैं। इसके बाद 15वां है भारत की वरिष्ठ महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी MC मैरीकॉम ने 24 नवंबर 2018 को IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन के 10वें संस्करण में 48 केजी भार वर्ग का खिताब अपने नियम नाम किया और ऐसा करते ही ये 6 बार विश्व चैंपियन हो गई हैं। तो मैरी कॉम ने फाइनल में यूक्रेन की हना ओकोटो को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ मैरी कॉम 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं, महिला मुक्केबाज बन गई हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि 6 बार बन चुकी हैं इन्होंने। पहला 2002 में, फिर 5 में, फिर 6 में, फिर 8 में, फिर 10 में जीता है और ये विश्व चैंपियनशिप खिताब है, कोई एशियन वगैरह नहीं है, ये विश्व चैंपियनशिप कुश मुक्केबाजी का है। भारत के स्टार सटलर समीर वर्मा नया नाम है, स्टार सटलर हैं ये, बैडमिंटन से संबंधित है इनका नाम याद रखिएगा, ने 25 नवंबर को चीन के लू ग्वांगझू को हराकर दूसरी बार सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता हुआ है। तो ये पूछा जाए 2018 का
सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? तो भारत के स्टार शटलर समीर वर्मा ने जीता है, और इन्होंने हराया किसे है? चीन के लू गुआंगझू को हराया है। 17वां नंबर है हॉकी विश्व कप 2018 का मेजबान भारत 14वें हॉकी विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत की। यह मैच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला जा रहा है या खेला जा चुका है, याद रखिएगा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में खेला गया है। और मेजबान भारत का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका से होगा। 8 बार के ओलंपिक चैंपियन भारत ने अब तक सिर्फ 1 बार ही विश्व कप जीता है। इंडिया 8 बार का ओलंपिक चैंपियन तो है, लेकिन विश्व कप सिर्फ 1 बार ही जीता हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। हॉकी के इस महाकुंभ में विश्व की कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी, जो कि 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा। विश्व हॉकी रैंकिंग में इस समय ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर है, और 4 बार हॉकी विश्व कप खिताब अपने नाम कर चुके पाकिस्तान की भूमिका भी इस टूर्नामेंट में काफ़ी अहम रहेगी। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जो है इस समय शीर्ष पर है, और 4 बार हॉकी का विश्व कप पाकिस्तान जीत चुका है। और इसका रिजल्ट आया है कि बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराकर हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब अपने नाम किया। तो कौन इसका विनर हुआ है? बेल्जियम हुआ है। और पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 के लिए ओली नामक कछुए को शुभंकर बनाया गया है, ठीक है, इसका शुभंकर याद रखिएगा। हाँ, हॉकी विश्व कप का इसका मुख्य उद्देश्य ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना था, तभी ओली नामक कछुए को शुभंकर बनाया गया है। और हॉकी विश्व कप 2018 का एंथम सॉन्ग AR रहमान द्वारा तैयार किया गया। इस एंथम सॉन्ग के लिरिक्स जो है जय हिंद जय इंडिया हैं, यह लिरिक्स गुलजार द्वारा लिखी गई हैं। इस मैच में बेल्जियम के गोलकीपर विंसेंट वनास को उनके बेहतरीन खेल के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, और वहीं भारत के मनप्रीत सिंह को बेस्ट सेलिब्रेशन अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अर्थर वन डोरेन को चुना गया, और बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड नीदरलैंड के गोलकीपर पिरमिन ब्लॉक को दिया गया। इसके अलावा गोल स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट बेल्जियम के हेंड्रिक्स और ऑस्ट्रेलिया के ब्लॉक गोवर्स को दिया गया। 18वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से प्रारूप संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और गौतम गंभीर ने ट्विटर और फेसबुक पर एक वीडियो शेयर करते हुए ऐसी घोषणा की है, और उन्होंने इस वीडियो का नाम अनबीटन रखा हुआ है। और 19वां पॉइंट, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब जीता हुआ है, और उन्होंने फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराया और स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। किसमें? BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में, ठीक है। सिंधु यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह खिताब जीतने वाली पहली कौन सा खिताब है? ये BWF वर्ल्ड टूर, इसमें उन्होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराया है और स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। 20वां है, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी कबड्डी के खिलाड़ी हैं ये, ध्यान रखिएगा। अनूप कुमार ने 19 दिसंबर 2018 को कबड्डी संन्यास लेने की घोषणा की है। उनकी अगुवाई में भारत ने 16 में विश्व कप जीता था कबड्डी का, ये याद रखिएगा। अनूप कुमार का संबंध किस खेल से है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अनूप कुमार का नाम उतना ज़्यादा पॉपुलरिटी के साथ आता नहीं है जैसा कि क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम आता है। तो अनूप कुमार जो है इससे कबड्डी संबंधित है, इन्होंने अपनी अगुवाई में 2016 में विश्व कप भी दिलाया हुआ है। इसके बाद हॉल ऑफ फेम के बारे में आ जाता है कि रिकी पोंटिंग को, राहुल द्रविड़ को और क्लेरी टेलर, 3 लोगों को यहाँ पर हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया गया है। तो पढ़ते हैं इसको। रिकी पोंटिंग को पूर्व कप्तान पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ और इंग्लैंड की महिला विकेट कीपर क्लेरी टेलर के साथ जुलाई 18 में डबलिन में ICC वार्षिक सम्मेलन के दौरान ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा राहुल द्रविड़ को, रिकी पोंटिंग को और इनको क्लेरी टेलर को। 22वां है, भारतीय टीम ने 30 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया को 137 रन से हराकर मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में 37 साल बाद पहला टेस्ट जीता, और यह एक इतिहास कायम किया। इसी के साथ भारत टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच जीतने वाला दुनिया का 5वां देश बन चुका है, याद रखिएगा दुनिया का 5वां देश बन चुका है। भारत ने 1932 से अब तक 532 टेस्ट खेले हैं, उनमें से सिर्फ 150 जीते हैं और 165 हारे हैं। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका 150 टेस्ट क्रिकेट जीतने वाली उपलब्धि हासिल कर चुके थे, अब भारत का नंबर जा कर के लगा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच के
बारिश के कारण ड्रा पर ख़त्म कर दिया गया था और भारत ने 4 मैचों की सीरीज जो है 2-1 से अपने नाम से कर ली। और इसी के साथ ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर यह इतिहास रचा, उसको ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जाकर के हराया और 150 जो है टेस्ट क्रिकेट जीतने का इतिहास भी बनाया। भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चयनित किया गया। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर बने 3 बार होपमैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी। तो रोजर फेडरर टेनिस से रिलेटेड है, होपमैन कप किससे संबंधित हो जाएगा, टेनिस से संबंधित हो जाएगा, और होपमैन कप 3 बार जीत चुके हैं कौन, रोजर फेडरर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 8 जनवरी 2018 घोषणा की कि अमेरिकी क्रिकेट संघ यूएसए क्रिकेट इसका 105वां सदस्य होगा। मतलब अमेरिका क्रिकेट को जो है आईसीसी ने, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने शामिल करने की घोषणा कर दी है। और इसके बाद है 26वां नंबर, भारत की प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज मैरी कॉम दुनिया की नंबर एक महिला मुक्केबाज 48 किलोग्राम वर्ग में बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ की ओर से ताज़ा जारी वरीयता सूची में मैरी कॉम को पहले नंबर पर रखा गया है। याद रखिएगा, 48 किलोग्राम वर्ग में टॉप मैरी कॉम है। इसके बाद 27वां है, विराट कोहली आईसीसी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ वनडे और टेस्ट खिलाड़ी के साथ, ध्यान दीजिए इस बात को, आईसीसी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी के साथ वर्ष 2018 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किए गए हैं। महिलाओं में स्मृति मंधाना को घोषित किया गया है और इधर विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट, इसमें वनडे में और टेस्ट मैच में और ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर इनको घोषित किया गया। 28वें नंबर पर है, विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप में एक तरफा फाइनल मैच के दूसरे क्रम में राफेल नाडेल को सीधे हरा दिया। वे इसी के साथ रिकॉर्ड 7 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि विश्व के नंबर एक खिलाड़ी का नाम क्या है, नोवाक जोकोविच, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जीता किसको हरा कर, राफेल नाडेल को हरा कर, और इन्होंने रिकॉर्ड क्या बनाया, 7 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। किसने किया है, नोवाक जोकोविच ने। इसके बाद 29वां नंबर है, इसमें हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेताओं के नाम लिखे, तो महिला एकल में जो है नेओमी ओसाका ने जीता है और पुरुष एकल वर्ग में नोवाक जोकोविच ने जीता है, और महिला युगल में मतलब मिक्स्ड फीमेल में जीता है सामंथा सोतुर ने और झांग सुई ने, और पुरुष युगल वर्ग में पियरे हुगेस हबर्ट और निकोलस माहूत इन्होंने जीता, और मिश्रित युगल में बारबरा क्रेचिकोवा और राजीव राम ने जीता है। राजीव राम अमेरिका से हैं, इंडिया से नहीं है, याद रखिएगा। और यहाँ पे 31वें नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी 30वें नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस गेल ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और 31वां है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 25 फरवरी को ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की। श्रीलंका द्वारा 0-2 से हार जाने के बाद साउथ अफ्रीका को टेस्ट रैंकिंग में नुकसान हो गया। नुकसान होने का मतलब यह है कि दक्षिण अफ्रीका 30वें नंबर पर आ गया, न्यूजीलैंड 30वें नंबर पर था, उसका अंक उतने पर ही रह करके वो ऊपर की ओर आ गया 2वें नंबर पर, और इंडिया अभी भी जो है पहले पायदान पर टेस्ट रैंकिंग में काबिज़ है। मतलब भारत टेस्ट रैंकिंग में 116 अंकों के साथ शीर्ष पर है और न्यूजीलैंड 107 के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया जो है इस रैंकिंग में 104 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है और इंग्लैंड जो है 5वें स्थान पर है, लेकिन किस में, टेस्ट क्रिकेट में, याद रखिएगा इस बात को। 32वें नंबर पर भारतीय युवा निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने 27 फरवरी को ISSF वर्ल्ड कप नई दिल्ली में स्वर्ण पदक जीत लिया है। किसने, मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने। मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने युगल मुकाबले में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा। मनु भाकर और सौरभ जोड़ी की सौरभ की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में युगल मुकाबले में चीन के रानक्सिन जियांग और बोविन झांग को मात देकर स्वर्ण पदक जीता। तो ये फरवरी तक का जो करंट अफेयर्स स्पोर्ट का था वो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है, और जो भी इंडिविजुअल करंट अफेयर्स हैं उनके वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको यहाँ पर जीएस से संबंधित शॉर्ट नोट्स और करंट अफेयर्स के सभी फॉर्मेट यहाँ पर मिलते रहेंगे। साथ ही साथ रीजनिंग के प्रैक्टिस करने वाले वीडियो भी यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ में।